ये रिश्ता क्या कहलाता है। बख्शू मिल नहीं रही, आप तो जानते हैं ना उसे, हर जगह गिरती पड़ती रहती है, पता नहीं किस हाल में होगी, कितनी परेशान होगी। प्लीज आप हर बार मुझे उससे मिला देते हैं, प्लीज इससे पहले को किसी मुसीबत में पहुंचे, प्लीज मुझे उस तक पहुंचा दीजिए, हमें मिला दीजिए, कुछ करिए महादेव, प्लीज कोई तो रास्ता दिखाइए प्लीज। गाड़ी को भी अब भी खराब होना था, फोन की बैटरी भी डेड है, क्या करूं, चार्जर भी तो नहीं है मेरे पास। तुम्हें कहाँ चले गई थी तुम? मैं हॉस्पिटल्स में अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, मैं उस मोमेंट से दूर भागना चाहती थी, भूल जाना चाहती थी वो सब जो बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहे थे। उस लेडी का केस एक नॉर्मल एक्सीडेंट का केस था, ऐसे केसेस हजारों आते हैं, मेरे लिए वो बहुत मेरे लिए वो बहुत नया था, इसलिए दूर भागना चाहती थी, सोचा एनजीओ जाऊंगी तो मन हल्का हो जाएगा इसलिए चली गई, और वापस आते यहां फंस गई। बस इतनी सी बात थी? हाँ। तुम भी ना, ऐसे केसेस रोज हजारों आते हैं हॉस्पिटल में, जितनी बार केस आएगा तुम भागोगी, मैं तुम्हारे पीछे पीछे भागूंगा, सोचते हुए कि कहाँ हो तुम, किस हाल में हो, परवाह करते हुए, चिंता करते हुए कि ठीक हो कि नहीं। मैंने कहा ना, वो केस मेरे लिए अलग था, सब केसेस जैसे नहीं था, मैं खुद परेशान हो रही थी यहाँ पे, उम्मीद कर रही थी कि कोई तो मेरी मदद करने आएगा, सोचा नहीं था कि जो मदद करने आएगा वो उल्टा मुझे पे चिल्लाने लग जाएगा। सॉरी मैं चिल्ला, तो और क्या कर रहे थे? अब चले यहां से कि गुंडों का वेट करना है एज ऑलवेज। ये भी चिल्ला के बोलो ना एज ऑलवेज। पहले तुम बच्चों की तरह बिहेव करो, मुझे इरिटेट करो, मेरा पेशेंस ट्राई करो, और उसके बस बस क्या तुम प्लीज मेरे घर पे कॉल करके बोल सकते हो कि मैं ठीक हूँ?
अक्षु नहीं मिली। क्या? टेंशन में कायरव की भी तबीयत खराब हो गई इसलिए हम वापस आ गए। मैं ठीक हूँ। अभिमन्यु का कॉल है। अक्षु, अक्षु ठीक तो हो बेटा? मैं ठीक हूँ बड़े पापा। हमारी तो जान निकली जा रही थी यहाँ। वो मिमी, मैं ना एनजीओ चली गई थी। वापस आते वक्त मेरी गाड़ी खराब हो गई और फोन की बैटरी भी डेड हो गई। मेरा फोन बंद है इसलिए आप सबको इन्फॉर्म नहीं कर पाई। अक्षु तू बस जल्दी से घर वापस आ जा। हाँ मैं बस आ ही रही हूँ। अभिमन्यु आ गया है ना, सब प्लीज चिंता मत करिए। एंड आई एम रियली सॉरी, मेरे वजह से आप सब परेशान हो गए। मैं बस अभी घर ही आ रही हूँ। लेकिन अभिमन्यु वहाँ कैसे पहुँच गया? वो दो तीन लोगों से बात की, थोड़ी लीड मिली, ढूंढ रहा था, लकीली मतलब गलती से मिल गई। शुक्र है। अब सारी बात वहीं खड़े खड़े करोगे क्या? वापस आओ चलो। हाँ, हाँ बस फोन रखते हैं, हम लोग निकल रहे हैं। अरे अभी भी पता चला है कि जहाँ पे ये दोनों हैं वहाँ से शहर की तरफ आने का एक ही रास्ता है, उसपे जो ब्रिज है वो टूट गया है, उन दोनों को वहीं रुकना पड़ेगा। शुक्र है कि अक्षु अकेले नहीं है। अभी बोलो बेटा प्लीज ध्यान रखना उसका। हाँ फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ, हम लोग कुछ करते हैं। ठीक है, जैसे ही रास्ता ठीक हो जल्दी आना, हम लोग ब्रिज के पास पहुँचते हैं। कैरव, कैन यू डू मी अ फेवर, प्लीज माँ को फोन करके बता देना मैं ठीक हूँ, जल्दी आ रहा हूँ। ओके श्योर। और सुनो मैं बैटरी खत्म, थैंक गॉड कम से कम बात हो गया, वो लोग वरी नहीं करेंगे। पर क्या अब हम यहीं रहेंगे? तुम्हारे लिए कैसल बनाऊं मैं यहाँ पर, जादू करूं? कार में रहेंगे, चलो। फाइन फाइन। क्या हुआ? वो गाड़ी की चाबी, मैं टेंशन में थी ना, आई वाज स्कैर्ड। हाँ स्कैर्ड थी, उस दिन क्यों स्कैर्ड थी तुम? उस दिन तो तुम आ रही थी, तुम मैं नर्वस हो। क्यों थम गया है ये लम्हा दरमियां, इस लम्हे को खुल के जी ले जरा। वो उस दिन जैसे हेयर पिन से खोला था वैसे खोलो। हाँ तो कहाँ है पिन? हाँ तो नहीं लगाई है, बिना हेयर पिन के नहीं खोल सकते क्या? मैं कोई प्रोफेशनल चोर हूँ क्या? उस दिन पहली बार ट्राई किया था। पिन से चोर ही कार खोल सकते हैं, ठीक है? और चोरों का क्या, वो तो पत्थर पत्रा लकड़ी किसी से भी खोल सकते हैं। ओए ओए दास्ता जो लिखो अपनी पन्ने रंग जाएंगे रेशमी, साथ अगर तू चल दे मेरे हर सफर हो जाएगा हसी। मैं ट्राई करता हूँ कुछ। नहीं हो रहा। क्या हुआ? आज तुम्हारा टैलेंट काम नहीं आ रहा, बात नहीं बन रही। अच्छा लापरवाही तुम दिखाओ, चाबी गाड़ी के अंदर तुम भूलो और मेरे टैलेंट की बात कर रही। और कौन सी टैलेंट की? चोरों वाले टैलेंट की। चलते हैं, आई डोंट थिंक गाड़ी खुलेगी आज रात, हमें कोई और जगह ढूंढनी पड़ेगी। बहुत रात हो रही है, ठंड बढ़ते जाएगी और जंगली जानवरों का खतरा अलग। चलो बैठ। जानिए दिल तूने छुआ, जानिए दिल तूने छुआ। थैंक यू सो मच आने के लिए। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ होना चाहता हूँ, चाहे कितना भी गुस्सा करूं, खुद को तुम्हारे पास आने से रोक ही नहीं पाऊंगा।
ये रिश्ता क्या कहे।